देखते रहिए UVN0@खजराओ से विनोद भारती की रिपोर्ट। चाइना से मेरू नामक युवती 30 दिसंबर 2018 को खजराओ में एक ढाबा पर पहुंची। उस महिला को जबरदस्ती 3 चाय पिलाई। उस दुकान में कुछ लपके जो कि अनऑथराइज्ड लोग भी महिला पर्यटक को घेरे हुए थे और उसको बहरा फुसला रहे थे। वह महिला पर्यटक डरी सहमी घबराई हुई थी एवं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। किसी तरह उस चाय की दुकान से भाग निकलने में कामयाब हुई। जैसे तैसे मीडिया उस महिला के पास पहुंची एवं स्थानीय लोगों की मदद से खजराओ रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया। मीडिया ने पुलिस को विदेशी महिला पर्यटक की सहायता के लिए सूचित भी किया। आधा घंटे तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। मीडिया ने आधा घंटा बाद फिर पुलिस को फोन करके बताया कि पुलिस आधा घंटे नहीं पहुंची। पुलिस कब पहुंचेगी? विदेशी पर्यटक खजुराहो में भगवान भरोसे घूमने आते हैं, उनकी सुरक्षा भी भगवान भरोसे ही चल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर महिला एवं पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हैं कई सवाल। देखते रहिए UVN0@। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आफ्टर खजुराहो वेयर यू विल गो? आगरा। एंड आगरा? यस। डोंट वरी, आई विल मीट माय फ्रेंड्स देयर। Old friend with 6 years not meet. Yeah, it's a real friend. So what problems you get here? Any problems here? Any problem? Anything happening here? Here? Yeah. I feel so dizzy there. Hello. And they try to keep me there, continue talking. And they want to go in my mind and they control me. Yeah. They are talking something abusing words with you. Feeling. You just feel. No, feeling. Feelings. Is one word. And, understand. Yes. Did you think that in your tea there's something? One more tea. Yeah. Yeah, so what do you want to say according what was done with you there? Something wrong? Anything happening there? Who is there? I mean what was happened there? What happened? What happened with you on that time? And that the media want to expose. After 3 cups of tea. Okay. Yes. I feel very, very dizzy. And at last they talk too much with me and they. Okay.